हाय गाइस, दिस इज़ दिनेश आडजानू जी। सो आपको बता दें कि फ्रीडम तो ठीक ठाक है, बट जब हम लोग का देश फ्रीडम नहीं हुआ था, आज़ाद नहीं हुआ था, तो उस टाइम का जो सोसाइटीज था बहुत ही गंदा था, बहुत ही वाहियात था, क्योंकि उस टाइम पे इतने घटिया घटिया रूल्स एंड रेगुलेशंस चल रहे थे कि आपको सोचने पर ही झकझोर कर देंगे। कहने का मतलब कि एक समय जब हमारे भारत में मनु शासन चलता था, तो मनु शासन के दौरान जो शूद्र की स्त्रियां थीं, यानी कि जो लॉयर फैमिली से लॉयर कास्ट के लोग थे, उनकी जो फीमेल थी उनको स्तन ढकने के ऊपर भी टैक्स लगा रखा था उन लोगों ने। यानी कि जब मनु शासन काल चलता था, तब हमारे जो लॉयर फैमिली या लॉयर कास्ट के लोग थे, उनकी जो मैडम है, फीमेल है, तो उनकी जो उनके जो स्तन होते हैं ना, तो स्तन को ढकने के लिए भी उनको टैक्स देना पड़ता था, अदरवाइज़ वो बिना ढके ही चलती थी। तो ऐसे ऐसे मतलब कि अत्याचार हुए हैं। इसके बाद जब ब्रिटिश शासनकाल आया हमारे भारत में, तो उस टाइम क्या हुआ कि उन्होंने इस वाहियात नियम को ख़त्म कर दिया था। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो हमारे देश को ब्रिटिश शासनकाल ने 200 साल राज किया था, 200 साल गुलाम बना रखा था, लेकिन मनुवादी सोच जो है वो हमारे हिंदुस्तान को 5000 साल से भी ज़्यादा मेंटली गुलाम बना के रखी थी, जिसके माध्यम से उन्होंने बहुत ही वाहियात टाइप के रूल्स लगा रखे थे, जिसके सपोर्ट में आकर उन्होंने अत्याचार के ऊपर अत्याचार किया था। सो अब फ्रीडम है देश, आज फ्रीडम होने के बावजूद लोग अपने मेंटालिटी लेवल को फ्री नहीं कर पा रहे हैं। सो प्लीज़ अनबाउंडेड हो जाइए।